द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्ठम स्कंध। षष्ठम स्कंध में कुल अध्यायों की संख्या 19 है, जिन्हें आप अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से सुन पाएंगे। इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 1 से लेकर 3 तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहद कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रथम अध्याय। अजामिल की कथा का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आपने मुझे निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, स्वर्ग नरक, ब्रह्मांड के विस्तार, श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों, भूमंडल और सूर्यलोक की स्थिति, सात पाताल आदि का विस्तार से वर्णन करके उनके गूढ़ रहस्यों को बताया। परंतु अब मैं आपसे उन अनुष्ठानों के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिनके करने से मनुष्य को नारकीय यातनाओं में न जाना पड़े। कृपया मुझे उनका उपदेश दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से पाप कर्म करता है। यदि वह अपने जीवन काल में ही उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो उसे इन नरकों में न जाना पड़े। समय पर किया जाने वाला प्रायश्चित निश्चित रूप में पाप मुक्त करके अच्छा फल देता है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनुष्य जानता है कि पाप कर्म करने से उसे विविध दंडों का भागी होना पड़ता है, फिर भी वह बार बार पाप कर्म करता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करने से भी क्या होगा? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मात्र प्रायश्चित करने से ही पाप कर्मों का मूल बीज नष्ट नहीं हो जाता। वस्तुतः
सभी तरह के पाप कर्मों में प्रवृत्त वही व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है, जिसे जीवन, जगत और परमात्मा के मूल तत्व का ज्ञान नहीं है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक पाप कर्मी की इच्छाएं नष्ट नहीं हो पाती। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके मन में पाप करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। जो पुरुष नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को संयमित करके चलता है वह धीरे धीरे पापी इच्छाओं से मुक्त होता चला जाता है। बुरे कर्म उससे किनारा करने लगते हैं। स्वयं उसका अंतर्मन उसे दुर्गुणों की ओर से बढ़ने से रोकने लगता है। धर्मज्ञ और धीर पुरुष श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, दान, सत्य पालन, अंतः बाह्य पवित्रता और मन को वश में करके मन, वाणी और शरीर से होने वाले बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त भगवान के भक्त अपनी भक्ति से सारे पापों को भस्म कर डालते हैं। राजन, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित कर देने से व्यक्ति की शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। इस संसार में भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। यह मार्ग भय रहित है और कल्याण स्वरूप है। राजन, जैसे मदिरा से भरे घड़े को पवित्र से पवित्र नदी भी पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े से बड़ा प्रायश्चित भी भगवान से विमुख व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में नित्य रहता है उसके तो सारे पाप कर्म बिना प्रायश्चित के ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं सताता। नरक की तो बात ही क्या है। अजामिल उद्धार की कथा। परीक्षित, यहां मैं तुम्हें महात्मा लोगों द्वारा कहे गए एक दृष्टांत को सुनाता हूं। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज नगर में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। दासी के संग रहने के कारण उसके सारे सदाचार नष्ट हो गए थे। वह छल पूर्वक लोगों को ठगा करता था। वह अति निंदनीय कर्मों का सहारा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरे प्राणियों को सताना उसकी दिनचर्या का अंग था। धीरे धीरे उसका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया और वह 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसके प्रति उसका मोह बहुत अधिक बढ़ गया था। जब उसे अपनी मृत्यु का समय निकट दिखाई देने लगा तो वह रात दिन अपने पुत्र नारायण के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 भयानक यमदूत आए हैं। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने व्याकुल होकर अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। यमदूतों ने समझा कि यह जगत के स्वामी भगवान नारायण को पुकार रहा है। उस समय यमदूत उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे।
तभी विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने उनसे पूछा, धर्मराज के कार्य में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? उन दूतों ने कहा, हम भगवान नारायण के दूत हैं, उनकी आज्ञा से हम तुम्हें इसके प्राण नहीं ले जाने देंगे। यह नारायण का भक्त है, यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म के लक्षण और धर्म का तत्व क्या होता है, जरा हमें भी तो बताओ। दंड किस प्रकार और किसे दिया जाता है? क्या सभी मनुष्य पापाचारी हैं? धर्मराज के यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिन कर्मों का निषेध किया है वे अधर्म के अंतर्गत आते हैं। वेद तो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे प्राण रूप हैं, ऐसा हमने सुना है। जगत के सभी गुण और पदार्थ उन्हीं में निहित होते हैं, वेद ही उनके स्वरूप और कर्म का वर्गीकरण करते हैं। वे मनुष्यों के सभी कर्मों के साक्षी हैं। सभी ग्रह, दिशाएं, काल और धर्म उन्हीं में आश्रित हैं। जब किसी के अधर्म मार्गी होने का पता चलता है तो वे ही उसे दंड देते हैं। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगते हैं। कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। यहाँ इस लोक में मनुष्य जैसा भी धर्म अधर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हे देव पुरुषों, इस संसार में सत्व, रज और तम तीन प्रकार के प्राकृतिक गुणों के आधार पर तीन प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा और पाप पुण्य दोनों से युक्त। हमारे स्वामी अजन्मे भगवान यमराज सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए वे सभी के अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बनते हैं और उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यह जीव वर्तमान शरीर के सिवाय पहले पिछले शरीरों और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हे सिद्ध पुरुषों, इस शरीर में पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा ही वह अपने सारे कार्य संपन्न करता है और अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों से रूप, रस आदि पांच विषयों का अनुभव करता है। ग्यारहवां उसका मन होता है। वह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सभी विषयों को भोगता है। जो व्यक्ति इस जगत में अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, उसे न चाहते हुए भी संसार में रहकर बहुत से कर्म करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने ही जाल में उलझता रहता है। एक दिन फिर वह उस उलझन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी का मन स्वभाव के अनुसार ही उससे सभी तरह के कर्म कराता है। उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। हे देवगण, आप तो जानते ही होंगे कि यह अजामिल कितना दुष्ट और नीच है। शील, सदाचार और सद्गुणों से तो इसका नाता दूर दूर तक भी नहीं है। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के किसी कार्य के लिए वन में गया हुआ था। जब यह फल, फूल और समीधा के लिए लकड़ियां और कुश लेकर वापस लौट रहा था तो इसने एक पुरुष को मदिरापान करके
एक सुंदर वेश्या के साथ वन में विहार करते देखा। उसे देखकर इसके मन में भी काम भावनाएं जागृत हो गईं। इसने उन भावनाओं पर अंकुश लगाने का बहुत प्रयत्न किया, पर यह उसमें सफल नहीं हो सका। उसके बाद इसने उस वेश्या को रिझाने का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक बेच डाली और सारा धन लाकर वेश्या को दे दिया। उस कुलटा के प्रेम में पड़कर इस दुष्ट ने अपनी सदाचारी पत्नी तक को भुला दिया और उसे घर से निकाल दिया। इस पापी के पाप अपने चरम पर पहुंच गए हैं। यह अन्यायी जहां कहीं से भी धन उपलब्ध होता, जैसे भी होता, उसे ले आता है। यह दिन रात वेश्या के मुंह में ही पड़ा रहता है। इसके पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए हम इसे यमराज के पास ले जा रहे हैं। वहां इसे इसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाएगा। दूसरा अध्याय। विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का बचाव। श्री शुकदेव जी बोले, राजन, धर्मराज के यमदूतों की बातें सुनकर विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूतों से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। भगवान के दूत बोले, यमदूतों, यह बड़े दुख की बात है कि श्री नारायण के भक्त को आप दंड देने की बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं कि यह किस प्रकार से हमारे जगत के पालनकर्ता भगवान नारायण को पुकार रहा था। यमदूतों, यदि प्रजा के रक्षक, शासक और समदर्शी भगवान ही अपने भक्तों को दंड देंगे तो वे किससे अपनी पुकार करेंगे, किसकी शरण लेंगे? सत्पुरुषों को देखकर ही साधारण लोग भी आचरण करते हैं। वे लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जान पाते और सत्पुरुषों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म का ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। वे उन पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। उनका आश्रय पाकर वे निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वे सत्पुरुष भी जिन पर साधारण लोग विश्वास करते हैं, उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? यमदूतों, चाहे विवशतावश ही सही, इस अजामिल ने भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकार कर अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। इस नाम के उच्चारण मात्र से ही सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान की लीला और गुणों में रम जाती है और स्वयं भगवान उसके प्रति आत्मीय हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मणों और योगियों ने पापों के प्रायश्चित के लिए न जाने कितने व्रत और उपवास, कितने यज्ञ और अनुष्ठान लोगों को बताए हैं, परंतु उनसे पापों की शुद्धि नहीं होती। पापों की शुद्धि भगवान के नाम लेने से ही होती है। यमदूतों, यदि प्रायश्चित करने के उपरांत भी मन फिर से पाप करने के लिए दौड़ता है तो उसे प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता। पाप कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए
भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। इससे चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसलिए तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते, इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, क्योंकि इसने मृत्यु काल में भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। अब हम इसे भगवान के धाम ले जाएंगे। जो मनुष्य संकट के समय परिहास में भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपस्या, दान, जप आदि से प्रायश्चित करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पाप कर्मों को करने से मलिन हुआ मन निर्मल नहीं हो पाता, हृदय शुद्ध नहीं होता। यमदूतों, यदि अनजाने में कोई अमृत पान कर ले तो उसका जीवन अमर हो जाता है। उसी प्रकार अनजाने में ही श्री हरि नारायण का नाम लेने से सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों के चंगुल से बचा लिया और उसे पुनः जीवन मिल गया। परंतु यमदूतों को भगवान विष्णु के पार्षदों की यह बात पसंद नहीं आई। वे वहां से सीधे यमराज के पास पहुंचे और सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। उनकी बात सुनकर यमराज भी चुप लगा गए, क्योंकि भगवान श्री हरि के विधान के विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। उधर अजामिल ने भगवान श्री हरि और यमराज के दूतों का धर्म के ऊपर वार्तालाप सुना था। इससे उसके मन में जिज्ञासा हुई, परंतु वे दूत तब तक अंतर्धान हो चुके थे। अब वह पूर्णतः स्वस्थ था और उसके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो चुका था। उसे अब अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करके बड़ा दुख होने लगा। वह बार बार अपने को धिक्कारने लगा कि क्यों उसने एक वेश्या के प्रेम में पड़कर अपनी सती पत्नी का परित्याग कर दिया, क्यों उसने एक दासी के गर्भ से अपनी संतान उत्पन्न करके अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट किया। वह कितना नीच है कि उसने अपने असहाय बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके जैसा कोई पापी इस धरती पर नहीं होगा। उसे अब अवश्य ही घोर नरक की यातनाओं को सहना पड़ेगा। अभी अभी उसने जिन दूतों को देखा, क्या वह कोई स्वप्न था या वह कोई प्रत्यक्ष अनुभव था? वे दूत कहाँ चले गए? उसे छुड़ाने वाले वे सिद्ध कौन थे? यद्यपि इस जन्म में उसने घोर पाप किए हैं, फिर क्या उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का यह कोई फल था जो उसके प्राण बच गए? उन सिद्धों की स्मृति से उसका हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भरा जा रहा है। यह कैसा आनंद है, कैसी आत्मानुभूति है! कहां वह महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहां भगवान का परम मंगलमय नारायण नाम! अब कुछ भी क्यों न हो जाए, वह इस नाम का मोह नहीं छोड़ेगा। समस्त सांसारिक बंधनों को काटकर वह भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा और अपने शेष जीवन में समस्त प्राणियों के हित के लिए श्रेष्ठ कर्म करेगा। माया के बंधन को काटकर वह श्री नारायण की ही आराधना करेगा। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पार्षदों के साथ घड़ी भर के सत्संग ने अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य भर दिया।
वह अपना घर परिवार छोड़कर हरिद्वार चला गया। उस देव स्थान में जाकर अजामिल ने भगवान के मंदिर को ही अपना घर बना लिया और आठों प्रहर भगवान श्री हरि के नाम जप कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उसे वे चारों पार्षद फिर दिखाई दिए। गंगा के तट पर अजामिल ने अपने नश्वर देह सदैव के लिए त्याग दी और दूसरे ही क्षण उसे भगवान श्री हरि के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ सोने के विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से बैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नाम ने अजामिल को सारे पापों से मुक्त कर दिया और वह नरक की यातनाओं को भोगने से बच गया। जो लोग संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री हरि के नाम से उत्तम कोई अन्य तीर्थ या साधना नहीं है। यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। यमराज के दूत हरि नाम का उच्चारण करने वालों के निकट भूल कर भी नहीं आते। तीसरा अध्याय। यमराज और उसके दूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से पूछा, मुनिवर, आपने कहा कि अजामिल के पास से जाकर यमराज के दूतों ने जब सारा वृतांत उन्हें सुनाया तो वे मौन हो गए, किंतु धर्मराज तो सारे जीवों के संहार करता है, सारे जीव उनसे भयभीत रहते हैं, मात्र श्री हरि के पार्षदों के कहने पर वे लौट गए और इस प्रकार धर्मराज के शासन का उल्लंघन हुआ और वे चुप रहे। यह बात कुछ समझ में नहीं आती, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, वहां का वृतांत सुनकर तो धर्मराज चुप रहे, किंतु जब उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि संसार में न्याय करने वाले यदि अनेक लोग होंगे तो फिर जीवों का समान रूप से न्याय कैसे हो पाएगा, वे तो अभी तक उन्हें ही समस्त प्राणियों के स्वाभाविक अधीश्वर समझते थे, उन्हें ही पाप और पुण्य के निर्णायक और दंडदाता समझते थे। आपके शासन की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की, फिर उन चारों पार्षद का यह साहस कैसे हुआ जो उन्होंने अजामिल को हमें नहीं लाने दिया। यदि वे हमें अधिकारी समझें तो इसका कारण बताएं। राजन, इस पर यमराज ने उन दूतों से इस प्रकार कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत के एक और भी स्वामी हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत के धागे में वस्त्र के समान स्थित है, उन्हीं के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी हैं, वे ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, मैं तो उनका एक अदना सा सेवक मात्र हूँ, उन्हीं के कारण मुझे यह विभाग प्राप्त हुआ है। जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने सभी जीवों के वर्णों को वेद रूपी रस्सी में बांध रखा है। समस्त जीवों के कर्म इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। मैं इंद्र, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, शंकर, वायु, ब्रह्मा,
मृत्यु आदि 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण सहित भृगु आदि प्रजापति और अन्य देवी देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उन प्रभु की माया के अधीन हैं। भगवान कब, कैसे और किस प्रकार क्या करना चाहते हैं वे इसे नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई प्राणी किसी भी साधन से नहीं देख पाता और न जान ही पाता है। वे प्रभु सभी के स्वामी हैं और स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान मनोहर रूप धारण करके इस लोक में विचरण करते हैं और भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका हित संधान करते हैं। उन पार्षदों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उनके दर्शन किए। स्वयं भगवान ने ही मर्यादा का निर्माण किया है, उसे न तो ऋषि जानते हैं न देवता। ऐसी स्थिति में मनुष्यों, असुरों, विद्याधरों और चारणों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बड़ा कठिन है, परंतु भक्तजन उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। वे आवागमन के चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान के इस भागवत धर्म के रहस्य को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभुव मनु, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, शुकदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 व्यक्ति ही जान पाए हैं। इस संसार में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। इसे भगवान के श्री चरणों में पूर्ण भक्ति भाव से ही पाया जा सकता है। प्रिय दूतों, भगवान श्री नारायण के नाम की महिमा तो स्वयं तुमने देखी। उनका नाम लेने मात्र से ही मृत्यु के पाश से छुटकारा मिल जाता है। अतः भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति भी प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है, वह अनंत है और महान है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित करते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वे या तो पाप कर्म करते ही नहीं, किंतु कभी किसी संयोग से उनसे पाप कर्म हो भी जाए तो भगवान का गुणगान करके वे अपने पाप को नष्ट करा लेते हैं। भगवान की गदा सदैव उनके भक्तों की रक्षा करती है। ऐसे भक्तों के पास तुम भूल कर भी कभी न भटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं हैं और निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाया करो। मैं उन्हें नारकीय कष्ट प्रदान करूंगा। हमें तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपने धृष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए,
ताकि हमसे पुनः ऐसा अपराध न हो। परीक्षित, इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को समझा बुझाकर उनके मन का संदेह दूर किया। इसलिए तुम भी यह अच्छी प्रकार से समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित भगवान के गुणों और उनकी लीला का गान करना है। उनके नामोच्चारण मात्र से ही अजामिल की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा और संसार का कल्याण होगा। भगवान की प्रेमा भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र छिपा हुआ है। इससे न केवल आत्मशुद्धि होती है, बल्कि जीवन मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्ति भी मिल जाती है। फिर वह जीव शासित न होकर शासक की प्रशासनिक प्रणाली का अंग बन जाता है। किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्मशुद्धि प्राप्त नहीं होती जैसी कि भगवान का नाम लेने से होती है। राजन, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज से भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से उन्होंने भगवान के भक्तों के पास जाना छोड़ दिया। यह कथा मलय पर्वत पर विराजमान महर्षि अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाई थी। इस प्रकार तीसरे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।